मतलब जो रियल वाला था उसमें गेट खोलने के बाद बहुत तेज रोशनी निकलती थी गेट में से। अभी भी क्या वैसे ही कुछ है या फिर थोड़ा अलग है, देखते हैं क्या होता है। Gaming never die because you watching best gaming channel in the world, Andro World. Alright, okay, so hey guys, so कैसे आप सभी लोग, आप सभी अच्छे होंगे। और भाई आज होने वाला है जबरदस्त मैच, प्रेम आईकिन अंकल हाउडी फेस करने वाले हैं WWE के सबसे टफेस्ट अपोनेंट रोमन रेंस एंड सोलो चुका कॉल मैच अपन कर रहे हैं स्टार्ट। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज, देखते हैं कौन जीतेगा। तो भाई सबसे पहले मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैंने अभी तक के एंट्रेंस नहीं देखा है ब्रे वाइट का इसके अंदर। और फर्स्ट ओके भाई ये तो वैसा एंट्रेंस है जैसे कि बहुत मतलब स्टार्टिंग में जब ब्रे वाइट ने भाई कमबैक किया था, वापसी की थी, उसके बाद में इस तरह से गेट से निकलने वाला एंट्रेंस हुआ था उनका। देखते भाई किस तरह से बनाया गया इस बार इसके एंट्रेंस को इसके अंदर। मतलब जो रियल वाला था उसमें गेट खोलने के बाद बहुत तेज रोशनी निकलती थी गेट में से। अभी भी क्या वैसे कुछ है या फिर थोड़ा अलग है, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल ब्रे वाइट आए तो नहीं है, मतलब ब्रे वाइट आ रहे हैं या फिर अंकल हाउडी आ रहे हैं। वैसे ऐसे में ब्रे वाइट आए थे लास्ट टाइम, अभी देखते हैं कौन आ रहा है। ओके भाई सेम टू सेम इंट्रेंस बनाने की कोशिश की है, लाइट भी देख रहे हो वैसा ही है, पर थोड़ा जो लाइट है थोड़ा सा मद्दा है, मतलब कम है। पहले वो जो रियल में जो लाइट आता है वो उतना ज़्यादा तेज होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि कौन है, पर अभी भी ब्रे वाइट तो दिखाई नहीं दी है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यानी वो धुआं काफ़ी ज़्यादा है, क्या पता एकदम से प्रकट हो जाए, इधर तो नहीं आए। ओके लाइट बंद हो चुका है, फाइनली ब्रे वाइट आ चुके हैं। ओके ये वही वाला मास्क है जो फर्स्ट टाइम पहन के आए थे, ये पीन नहीं है, ये ब्रे वाइट है। और फाइनली डार्कनेस इज कम। ओके भाई काफी कूल लग रहे हैं ब्रे वाइट। तो फाइनली ब्रे वाइट भाई इतने सारे गेम्स में देखने को मिले, मतलब कि अपन ने इनको लास्ट टाइम 2K20 में देखा था। 2K20 के बाद में 21 आया नहीं, 2K22 भी मिस कर दिया। आई थिंक 19 में नहीं, 19 में तो थे, 20 में थे, 20 में फिंड भी था, 22 में फिंड भी नहीं था, ब्रे वाइट भी नहीं था। पर 23 में क्या पता फिंड आने वाला है या नहीं पता, वो नहीं पता अभी फिंड का क्या है। पर यहाँ पे ब्रे वाइट दिया है, फिंड भी दे देते हैं यार, तो कितना कूल लगता था। 2K20 वाला फिंड उतना ट्रिक है, मुझे उतना कोई खास नहीं लगा था, पर ये इसमें अगर बनाते तो बहुत ज़बरदस्त बनता था। पास में भाई मूछ भी है, तो ये ब्रे वाइट का भाई एकदम नया वाला एंट्रेंस है, काफ़ी कूल लग रहा है। हेयर स्टाइल भी चेंज किया है, पहले वाला हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, अभी का हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग है। फाइनली ब्रे वाइट आ चुके हैं और अब इंतज़ार है भाई अंकल हाउडी का। यहाँ अभी एंट्रेंस पूरा नहीं हुआ, एंट्रेंस काफी ज्यादा लंबा है ब्रे वाइट का। ओके ये ऐसा ले लेके गोल घूमना, आज शायद उसको फूकेंगे हाँ और एंट्रेंस फिर ओवर होगा। भाई मास्क तो उतार दो, हवा कैसे निकलेगी उसमें से। अरे ये तो भाई जलने वाला है, दिए के अंदर तो भाई लाइट लगा है, लाइट बंद हो जाएगा जब ब्रे वाइट फूकेंगे। ओके ठीक है, वाटर टाइमिंग। तो फाइनली ब्रे वाइट आ चुके हैं भाई और अंधेरे को उन्होंने अंधेरा मतलब जब खुद तो अंधेरे में आए थे पर लाइट ले गए थे, लाइट को बुझाने के बाद में सब दूर उजाला ही उजाला, तब तो ऐसा पहली बार हुआ है ठीक है। पर यहाँ पे फाइनली एक सुपरस्टार ब्रे वाइट आ चुके हैं और अब इंतजार है दूसरे आदमी का, जो कि भाई अंकल हाउडी है। इनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये आदमी है कौन, ये कुछ ही दिन दिखा और उसके बाद में ऐसा गायब हो कि उसके बाद दिखाई नहीं दिया। और फाइनली काफी डरावनी शक्ल है और केप पे देख रहा हूँ, मतलब उसकी जो टोपी है उसके ऊपर मतलब ऐसा पूरे धारदार नुकीलेदार ऐसी कुछ है भाई जो उसकी टोपी को लपेटे हुए है। और अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि अंकल हाउडी है कौन, मतलब भाई रूमर्स तो ये पहले थे कि ये उन्हीं का भाई है, मतलब ब्रे वाइट का ही भाई है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बताना कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसका नाम अच्छा याद आ बो डैलस। ओह अब तुम कमेंट में क्या बताओगे ठीक है ना, पर तुम लोगों को याद था या फिर नहीं ये बता देना मुझे। फाइनली वो डैलस हो सकते हैं, अभी रिवील नहीं हुआ है पर है या नहीं, क्या पता ब्रे वाइट कब रिटर्न करे और हमें फिर से देखने को मिले। भाई ये ब्रे वाइट के साथ दो तीन साल से बहुत लफड़े चल रहे हैं, बंदा दिखाई नहीं दे रहा है रेसलिंग करते हुए। फाइनली अंकल हाउडी आ चुके हैं, मास्क काफ़ी कूल है इसका भी और
काफी ज्यादा डरावना है भाई, डरावने लोग है लगता है, पूरी फैमिली डरावनी है इनकी। फाइनली ब्रे वाइट इज हियर। हाँ मंथ नहीं भाई, सालों हो चुके हैं। क्वेश्चन है कि अंकल हाउडी है कौन। सेम टू सेम उसके जो ग्लव्स है वो भी ब्रे वाइट के ग्लव्स के जैसे ही, सॉरी इसके ग्लव्स फिएंड के जैसे है। फिएंड के ग्लव्स ऐसे होते थे, उसमें थोड़ा सा रेड होता था, पर इसका थोड़ा ब्लैक है, पर फिएंड के जो ओके इसने तो कैप उतार दी है। अभी तक कि अंकल आउडी का एक भी मैच देखने को नहीं मिला। इसका जो मास्क है इसी के साथ में उसके जो हेयर है ना वो कनेक्टेड है, मतलब ये जो मास्क और हेयर है दोनों एक जैसे ही है। ओके तो फाइनली यहाँ पे ब्रे वाइट और अंकल हाउडी आ चुके हैं और अब इंतजार है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का और उनके भाई सोलो सिकोवा को। ब्रे वाइट काफी कूल लग रहा है, अच्छे दिख रहे हैं। ओ भाई ट्राइबल चीफ के पास हमारे चैनल का एंड्रू वर्ल्ड चैंपियनशिप है और इस टाइटल को पता है आप लोग भी जीत सकते हो। आपको बस ज्वाइन करना है हमारी रात 9 बजे वाली स्ट्रीम को और आप भाई उस टूर्नामेंट में आके नंबर वन कंटेंडर बनो। यहाँ हम डेली नंबर वन कंटेंडरशिप मैचेस करते हैं और उसके बाद में जो भी बंदा उस कंटेंडरशिप मैच में जीता है उससे मौका मिलता है चैंपियन से फाइट करने का मौका। और हाँ चैंपियन बनने के बाद में आप डेली हमारी स्ट्रीम पर अपने टाइटल को डिफेंड भी कर सकते हो। आपके टाइटल के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो जरूर 9 PM पे ज्वाइन जरूर करिए। फाइनली ट्राइबल चीफ आ चुके हैं। अब भाई इन्हीं के भाई का इंतजार है जिनका नाम है सोलो सिकोवा। ओके तो भाई ये है ब्लड लाइन के फ्यूचर सोलो सिकोवा, जो कि खत्म हो रही है ब्लड लाइन धीरे धीरे। सोलो सिकोवा का इंटेंस बड़ा ही नॉर्मल सा है, बंदे को भाई फाइट करने में ज्यादा मजा आता है ना कि इस तरह से रोमन रेंस की तरह भाई अपने आप को बड़ा दिखाने में। ओके तो अंकल हाउडी, भाई हाउडी के कपड़े देख रहे हो, मतलब एकदम बस फॉर्मल कपड़े लग रहे हैं शर्ट और पैंट, ठीक है। ओके मैच शुरू हो चुका है मैच। ओके भाई साहब अंकल हाउडी को सोलो सिकोवा अपना फिनिशर देना चाहते थे, जो कि भाई वो अंगूठा लॉक था, सॉरी अंगूठा नहीं था, उसको कुछ और कहते हैं। ब्रे वाइट तो रिंग के बाहर हो चुका है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंकल हाउडी का फिनिशर क्या है, तुमको क्या लगता है क्या फिनिशर होगा अंकल हाउडी का? अभी क्या DDT दे दिए इन लोगों ने या कोई फिनिशर दिया है उसको? तो भाई अभी तो दोनों के दोनों भाई पिट रहे हैं। रोमन रेंस अभी ब्रे वाइट की बहुत गंदी पिटाई कर रहे हैं। सोलो सिकोवा ने भाई वो किक मारी है ना अभी अंकल हाउडी को, कि सही में ये अंकल ही बन जाएगा। भाई मैच काफी ज्यादा सही जा रहा है। ओके गिलिटिन पहला फिनिशर रोमन रेंस की तरफ, रोमन रेंस की तरफ से पहला फिनिशर। ओके सोलो सिकोवा ने भी अपना फिनिशर देने गए लेकिन अंकल हाउडी ने फिर से रिवर्स कर दिया, बचा लिया ब्रेक को, बचा लिया। और ब्रेक को बचाने के चक्कर में अंकल हाउडी को समोन स्पाइक दे दिया। अबे तो बार बार मार रहा है, बैक टू समोन स्पाइक। सोलो सिकोवा बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा, मतलब फिनिशर मारने के बाद में पिन नहीं कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा नाराज है अंकल हाउडी से। ब्रे वाइट पर अपना फिनिशर यूज नहीं कर रहा है, बस अभी तक इधर उधर की मूव भी कर रहे हैं। मुझे लगता है अंकल हाउडी ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं ब्रे वाइट से, क्योंकि अभी तक के वो काफी सारे फिनिशर रिवर्स किए हैं और DDT दे दिया यहाँ पे। भाई ये तो मुझे डीन एम्ब्रोस की याद दिला दी, जो DDT मारा भी इसने सोलो सिकोवा को। ब्रे वाइट चलो भाई फाइनली बंदे ने वापसी करी है, रोमन रेंस की पिटाई तो कर रहा है। रोमन रेंस के हाथों पर अटैक जबरदस्त तरीके से, क्या लग रहा है भाई कौन जीतेगा इस मैच को? ओके ओ नो भाई चेयर लेके आए थे सोलो सिकोवा, लेकिन यहाँ पर ब्रे वाइट का सिस्टर एबिगेल इनका फिनिशर है। 1-2 किक आउट, पता पूरा सब कुछ चेंज कर दिया जो ब्रे वाइट का जो फिनिशर है ब्रे वाइट। और अंकल हाउडी का सेकंड फिनिशर सोलो को, 1-2 सोलो ने फिर से किक आउट कर दिया। और रेजिलेंस का अभी भी यूज नहीं किया है अंकल हाउडी ने, 2 लगातार सिस्टर एबिगेल दिए है। ब्रे वाइट के पास सिस्टर एबिगेल नहीं है, ब्रे वाइट के पास में सिस्टर एबिगेल नहीं है, उसके पास में भाई वो मैंडिबल क्लो है। वाह भाई अंकल हाउडी तो रोलिंग किक नहीं लगी पर एक शोल्डर टैकल, भाई पैरों पर अटैक। रोमन रेंस कैंडो लेके आए बेचारा ब्रे, ब्रे की पढ़ाई भाई बहुत ज्यादा हो रही है।
मैं देख रहा हूँ अभी से 3.5 स्टार का हो चुका है, एक पावर बॉम्ब, फाइनली सिग्नेचर मूव दे दिया है सोलोसिकोवा ने अपना अंकल हाउडी को, और चेयर अब उठा लिया। वैसे तो भाई बंदा पूरे तरह से स्टड हो गया है, सोलो छोड़ेगा नहीं, चेयर तोड़ देगा मार मार के इसके ऊपर। ओके चेयर तोड़ चुके हैं सोलोसिकोवा अंकल हाउडी के ऊपर, नहीं या नहीं समोन स्पाइक। ओके ये मैच खत्म भाई, 1 2 3 और इसी के साथ रोमन रेंस एंड सोलोसिकोवा इस मैच को जीत गए। अंकल हाउडी भाई नहीं सर्वाइव कर पाए समोवन स्पाइक के ऊपर, भाई 3 समोवन स्पाइक पड़े सोलोसिकोवा ने, 3 समोवन स्पाइक दिए। ब्रे वाइट भाई साहब क्या पता किधर ही लड़ रहे रोमन रेंस से, पर अंकल हाउडी को देख के काफी मजा आया भाई, काफी तगड़ा लड़े अंकल हाउडी। मुझे लगता है कि अंकल हाउडी बेस्ट प्लेयर है, मतलब ब्रे वाइट से मुझे लगा ज्यादा अच्छे, पर अपन प्री टेस्ट जरूर करेंगे अंकल हाउडी को भी एक सिंगल्स मैच में, और ब्रे वाइट को भी एक सिंगल्स मैच में जरूर ट्राई करेंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में। और अभी हो चुका है जाने का समय, काफी सारी बात करी यहाँ पे ब्रे वाइट के एंट्रेंस के बारे में और साथ साथ अंकल हाउडी के बारे में और भी चीजें भाई बताने के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। पर अभी जाने का समय हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और हमारी एक न्यू कस्टम वीडियो जल्दी आने वाली है तो उसका वेट करो। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।